बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गौर पब्लिशर्स। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्स फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। माय नेम इज़ असीबिया मिनहान एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिजॉल्व द एक्सरसाइज 3.1। 3.1 एक्सरसाइज जानने से पहले हम देख लें कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि फैक्टर्स ऑफ नंबर अप टू 3 डिजिट्स, उसमें हमने देखा था फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर अप टू 3 डिजिट क्या होते हैं। हमने एक एक्टिविटी उसमें भी देखी थी, मल्टीपल्स देखे थे क्या होते हैं, और इवन और ऑड और कंपोजिटिव नंबर देखे थे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ दीज फॉलोइंग नंबर्स, वो कहते हैं इनके जो नंबर आपको दिए गए इसके फैक्टर्स लिखें। तो क्वेश्चन नंबर, ये हम ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर लें जी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, राइट द फैक्टर्स 24 के मैंने आप फैक्टर्स लिखने हैं। तो देखें कौन कौन से बनते हैं फैक्टर्स ऑफ 24 आर। ट्वेंटी फोर किस किस पे जाता है? 1 के टेबल पे जाता है, 2 पे जाता है, 3 पे जाता है, 4 पे जाता है, 5 पे नहीं जाता, 6 पे जाता है, 7 पे नहीं जाता, 8 पे जाता है, 9 पे नहीं जाता, 10 पे भी नहीं जाता, 11 पे नहीं, 12 पे जाता है, 12 इसको डिवाइड करता है, और फिर इसके बाद 24 इटसेल्फ इसमें जाता है। तो हमारे पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। इसी तरीके से अगर हम इसका दूसरे का देखें, वो हमसे मांग रहा है 32 के। तो 32 के फैक्टर्स हमारे पास क्या बनते हैं? फैक्टर्स ऑफ 32 आर, फैक्टर्स हमारे पास क्या बनते हैं? 1, 2, 3 के टेबल 32 नहीं होता, 4 के टेबल पे आता है, 5 पे नहीं आता, 6 पे नहीं आता, 7 पे नहीं आता, 8 पे आता है, 9 पे नहीं आता, 10 पे नहीं आता, 11 पे नहीं आता, 12 पे नहीं आता, 13 पे नहीं आता, 14 पे नहीं आता, 15 पे नहीं आता, 16 और उसके बाद 32 इट्स सेल्फ। तो ये हमारे 32 के फैक्टर बन गए, 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। इसी तरीके से आप 58 और 95 फैक्टर्स भी मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, वो कह रहे हैं राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला उसने क्वेश्चन नंबर 4 दिया, 2 का पार्ट 1 दिया हुआ है, वो उसने दिया हुआ है। वो कह रहे हैं राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं? 4 का उसने पूछा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4 आर कौन कौन से हैं? 4 के फर्स्ट 5 कौन से हैं? 4 है, 8 है, 12 है, 16 है और 20। ये इसके पहले 5 मल्टीपल हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये पहले इसके 5 मल्टीपल हैं जो कि 4 के हैं। इसी तरीके से अगर हम 7 के देखें, तो 7 के मल्टीपल्स क्या आते हैं? 7, 14, 21, 28 एंड 35। तो ये इसके पहले 5 मल्टीपल हैं किसके? 7 के। क्वेश्चन इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे वो कह रहा है कि सेपरेट द इवन एंड ऑड नंबर्स। जी स्टूडेंट्स, इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर आपके वो कहलाएंगे जिनके यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे क्या पढ़ाओ? या तो 0 पढ़ाओ, या 2 पढ़ाओ, या 4 पढ़ाओ, या 6 पढ़ाओ, या 8 पढ़ाओ।
और ऑड नंबर्स आपके वो होंगे जिनकी यूनिट प्लेस पे क्या पढ़े हो, वन पर आओ, थ्री पर आओ, फाइव पर आओ, सेवन पर आओ और नाइन पर आओ। तो आइए देखते हैं कि किस में इनमें कौन सा इवन और कौन सा ऑड है। देखें जो वन वाला है इसके यूनिट प्लेस पे फोर पर आवा तो ये क्या होगा, इवन। ये ऑड पर आवा तो ये क्या होगा, ऑड। इवन, इवन, ऑड, ऑड, ऑड और ये इवन। तो इस तरीके से हम इवन और ऑड को सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ मूव करते हैं। लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 6 and 30। वो कह रहे हैं 6 और 30 के दरमियान जो जो प्राइम नंबर्स हैं वो आप लिखें। तो बहुत आसान सवाल है, देखें क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट वन जो है 6 and 30। जी स्टूडेंट्स हम देखते हैं 6 से अगला कौन सा आता है, 7 प्राइम नंबर है क्योंकि वो अपना डिवाइजर है और 1 का है। 8 डिवाइजर नहीं है क्योंकि वो 2 पे भी जाता है, 4 पे भी जाता है और 8 पे भी जाता है। तो 9 3 पे भी जाता है, 9 पे भी जाता है। तो 10 2 पे भी जाता है, 5 पे भी जाता है, 10 इटसेल्फ पे भी जाता है। तो क्या आ जाएगा, 11 12 छोड़ के 13 14 छोड़ के 15 भी नहीं आएगा क्योंकि 15 किस पे जाता है, 3 पे भी जाता है, 5 पे भी जाता है। 16 छोड़ के 17 19 20 भी नहीं आएगा, 21 भी नहीं आएगा, 22 भी नहीं आएगा, 23। ये क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये इटसेल्फ के अलावा किसी और फैक्टर पे भी चले जाते हैं। जैसे अगर मैं 22 की बात करूं तो 22 11 पे भी चल जाए, 23 24 भी निकल जाएगा, 25 भी निकल जाएगा, 26 भी निकल जाएगा, 27 भी निकल जाएगा, 28 भी निकल जाएगा और 29। तो ये आगे हमारे 6 और 30 के दरमियान हमारे ये वो नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। अब इसका दूसरा पार्ट एक देखते चलते हैं। दूसरे पार्ट में उसने कहा हुआ है कि 27 एंड 70 इनके दरमियान क्या प्राइम नंबर्स लिखें। तो देखते हैं इसमें 27 और 90 के दरमियान, 70 के दरमियान क्या आएंगे, 28 नहीं आएगा, 29, 30 भी नहीं आएगा, 31, 32 नहीं आएगा, 33 भी नहीं आएगा, 34 भी नहीं आएगा, 35 भी नहीं आएगा, 36 भी नहीं आएगा, 37, 38 भी नहीं आएगा, 39 भी नहीं आएगा, 40 भी नहीं आएगा, 41, 42 भी नहीं आएगा, 43, 44 भी नहीं आएगा, 45 भी नहीं आएगा, 46 भी नहीं आएगा, 47, 48 भी नहीं आएगा, 49 भी नहीं आएगा, 50 भी नहीं आएगा, 51, 52 नहीं आएगा, 53, 54 नहीं आएगा, 55 नहीं आएगा, 56 नहीं आएगा, 57, 58 नहीं आएगा, 59 आएगा, 60 नहीं आएगा, 61, 62 नहीं आएगा, 63 भी नहीं आएगा, 64 भी नहीं आएगा, 65 नहीं, 66 नहीं, 67 और 68 भी नहीं आएगा, 69 भी नहीं आएगा क्योंकि 69 भी 3 के टेबल पे जाता है और लास्ट का 70। तो इस तरीके से आप इसके प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं जो इनके दरमियान में है। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है लिस्ट ऑल द नंबर लेस देन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8। 50 से नीचे जो नंबर हैं ठीक है उनमें से देखने के जो 6 के मल्टीपल कौन से और 8 के मल्टीपल्स कौन से हैं। लिस्ट ऑल द नंबर लेस देन 50 से नीचे वाले अप टू 49 तक हम देखेंगे जो कि 6 और 8 के मल्टीपल्स हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है 50 से नीचे तो कौन कौन से होंगे 6 और 8 के। सबसे पहले तो एक 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा क्योंकि अपने हैं, 6 के टेबल पे 12 आ जाता है, 18 का मल्टीपल आ जाता है 18 to the 16, 6 पे आ जाता है 18, 8 3 24, 6 के टेबल पे भी 24 था, 6 5 था 30, 8 5 था 40 भी आ जाएगा, इससे पहले 36 भी आएगा, फिर 40 भी आ जाएगा।
अच्छा फिर 42 भी आएगा क्योंकि 6 का टेबल भी आता है, और 48, ये वो नंबर्स हैं जो कि 6 और 8 के मल्टीपल्स हैं। 6 है, 6 के टेबल पे 12 आता है, 18 आता है, 24 आता है, 30 आता है, 36 आता है, 42 आता है, 48 आता है। 8 के मल्टीपल देखें, 8, 16, 24 और इसके इधर एक और आएगा 32, इधर एक और नंबर आएगा 32, 8, 16, 24, 32, 40 एंड 48। तो ये वो नंबर हैं जो कि 6 और 8 के मल्टीपल्स हैं। सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 6 भी हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, वो कह रहा है राइट ऑल कंपोजिटिव नंबर लेस देन 25 से जो लेस हैं कंपोजिटिव नंबर वो लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या है, हम इस कंपोजिटिव नंबर कौन कौन से होते हैं जो जिसके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा हों, 2 से ज्यादा फैक्टर वाले ही कहलाएंगे कंपोजिटिव नंबर। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे 25 से जो लेस देन है, 1 इसमें नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4, 6, 7 भी नहीं आएगा, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, तो ये हमारे नंबर आ जाएंगे क्योंकि उसने लेस देन 25 का, तो 25 से लेस देन यही नंबर्स हैं जो कि कंपोजिटिव नंबर कहलाते हैं। राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिटिव नंबर जस्ट बिलो 100, ठीक है। वो कह रहा है कि पहले 7 आपने कंसेक्यूटिव कंपोजिटिव नंबर लिखने जो कि इकट्ठे आ रहे हो लेकिन जस्ट बिलो 100, 100 से बिल्कुल पीछे वाले, जो 100 का बाउंड्री पॉइंट है उससे पीछे वाले जो एक कंसेक्यूटिव नंबर आ रहे हैं वो आपने 7 लिखने हैं। अगर हम इसको देखें, अगर 100 से हम पीछे देखना शुरू करें क्वेश्चन नंबर 8 पे, 100 से हम अगर पीछे देखना शुरू करें तो कौन आता है, 99 ये भी कंपोजिटिव नंबर है, 98 ये भी कंपोजिटिव नंबर है, 97 नहीं आता, 96, 95, 94, 93, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इससे पीछे कौन आएगा, 92 नहीं होता, 91 भी नहीं है और इससे पीछे कौन, 90। तो आप अगर इसको अरेंज करके लिख दें तो क्या होगा, 90, 93, 94, 95, 96, 98 एंड 99। तो ये वो 7 कंपोजिटिव नंबर्स हैं जो कि जस्ट बिलो 100 है, 100 से बिल्कुल पीछे वाले हैं जो कंपोजिटिव नंबर हैं। राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 80, इसी तरीके से आप इसका प्राइम नंबर लिख सकते हैं जो कि 80 से कम है। अगर आपको इसमें कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप इसको मोर देन 10 टाइम्स रिपीट करके आप इसमें अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। इसी पैटर्न में बाकी सवाल भी हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।